2021 की इरुल आज सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर नसीफ यूसुफ इजुद्दीन, IMDb रेटिंग 5.8। एक खून होता है, शक के घेरे में तीन लोग हैं, एक लेखक, एक वकील और एक चोर। मूवी के खत्म होने के 5 मिनट पहले आपको गेस करना है कि खूनी कौन है। देखते हैं कितने सही गेस कर पाते हैं। और हाँ, नो चीटिंग। लाइक शेयर कॉमेंट पक्के से करना और मेरे सेकेंड चैनल को भी पक्के से सब्सक्राइब कर लेना और मूवीज ट्राइब को सुनते रहे। एलेक्स की एक बुरे सपने से नींद खुली। फोन देखा तो अर्चना के 5 मिस कॉल्स हैं। तब से वो उसे लगातार फोन करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसका फोन लगातार बिजी है। ऑफिस जाते हुए एक बार अर्चना ने कॉल उठाया। वो एक वकील है, कल उसके क्लाइंट की हियरिंग है और उसी में आजकल बिजी है। शाम को मिलने का तय हुआ। अब शाम को एक बुक स्टोर पे अर्चना का इंतजार करते हुए एलेक्स ने किताब उठाई जो उसी की लिखी है। एलेक्स एक लेखक है, ये उसकी पहली लिखी किताब है जिसकी कुछ एक कॉपी ही बिकी है। इतने में अर्चना भी आ गई और दोनों कॉफी के लिए निकल गए। मुझे आजकल बुरे सपने कुछ ज्यादा ही आने लगे हैं, एलेक्स ने कहा। अर्चना बोली, तुम्हारे किताबों के टॉपिक्स ही डार्क होते हैं तो सपने भी वैसे ही आएंगे। एलेक्स बोला, पहले पढ़ तो लो फिर कहना। तभी अर्चना के क्लाइंट का फोन आ गया, बात करने वो बाहर चली गई। एलेक्स उसे तब से कुछ कहना चाह रहा है। थोड़ी देर बाद अर्चना को दोबारा फोन आया। ये देख एलेक्स नाराज होकर वहां से चला गया। रात में अर्चना ने एलेक्स को फोन पे मनाने की कोशिश की, उसे आज के लिए सॉरी बोला और अपने क्लाइंट से उलझी हुई जिंदगी के बारे में बताया। क्यों ना इस वीकेंड पे कहीं घूमने चले, मैंने यही बात करने तुम्हें बुलाया था, एलेक्स बोला। हाँ, पर एक शर्त है, कोई सेल फोन लेकर नहीं जाएगा, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। थोड़ा सोचने के बाद अर्चना भी तैयार हो गई। जल्द ही वो दिन भी आया। कई घंटे की ड्राइव के बाद वो शहर की भीड़ भाड़ से काफी दूर निकल आए। तेज बारिश भी होने लगी। कितना सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है एक दुनिया पीछे भूल आई हूँ। फिर अर्चना ने पूछा, एलेक्स हम कहाँ जा रहे हैं? अभी बता दिया तो सरप्राइज क्या रहेगा, एलेक्स ने कहा। तभी अचानक गाड़ी बीच सड़क पर बंद पड़ गई। एलेक्स ने कई दफा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, कोई फायदा नहीं, लगता है मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, एलेक्स बोला। पर बुलाए कैसे, फोन तो दोनों के पास नहीं। ये ख्याल आते ही दोनों सोचने लगे अब क्या करें। तभी उनकी नजर थोड़ी दूर किसी घर से आ रही रोशनी पर पड़ी। वहाँ कोई मदद मिले सोचकर दोनों उस घर जाते हैं। एलेक्स ने कितनी बार कॉलिंग बेल बजाई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अजीब बात है, लाइट तो जल रही है पर कोई आवाज क्यों नहीं दे रहा। इतने में जोर से दरवाजा खुला। एलेक्स घबरा कर थोड़ी दूर जा गिरा। हाथ में जलता सिगार लिए एक आदमी बाहर आया। अर्चना ने उसे पूरी बात बताई, अगर एक फोन करने को मिल जाता तो हमारी मदद हो जाती, आदमी बोला। ऐसे खराब मौसम में नेटवर्क मिलना मुश्किल है, पर कोशिश कर सकते हो। एलेक्स ने लैंडलाइन का रिसीवर उठाया, सच में कोई सिग्नल नहीं है। भीगे कपड़ों में अर्चना को देख उस आदमी ने ऊपर के रूम में रखे अलमीरा से कपड़े बदल लेने को कहा। अर्चना ने ऊपर जाकर देखा तो अलमीरा लड़कियों के कपड़े से भरे हैं। कपड़े चेंज कर वो नीचे आई। अब तीनों अंगीठी के पास बैठे हैं। अर्चना उस आदमी से उसके बारे में कुछ पूछ ही रही थी कि उसने होंठ पर उंगली रख उसे चुप कराते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता सवाल पूछने का हक मुझे है, क्योंकि तुम दोनों यहाँ पे मेहमान हो, और बोलना शुरू किया, तो तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो और तुम्हारे रिश्ते को कुछ एक दो महीने ही हुए हैं। क्यों, सही कहा मैंने, अर्चना चौंक कर बोली। हाँ 3 महीने, पर आपको कैसे पता, वो बोला। ऑब्जर्वेशन, जिस तरह से तुम दोनों एक दूसरे से दूर अपने में सिमट कर बैठे हो इसी से पता चलता है। अब उसे पता चला कि अर्चना वकील है। वो चौंक कर बोला, ओह, यानी झूठ को सच में बदलने वाला। अर्चना बोली, बिना थोड़ी बहुत सच्चाई के झूठ नहीं बुना जा सकता, ना ही कोई सच पूरा सच होता है। सच नजरिए का ही खेल है, किसी के लिए सही किसी के लिए गलत। अब एलेक्स का पता चला कि वो एक लेखक है, एक ही किताब लिखी है, दूसरी लिखने की तैयारी चल रही है। ओ ग्रेट, क्या नाम है आपके पहले किताब का? इरुल, एलेक्स बोला। इरुल यानी अंधेरा, रोशनी का ना होना। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये किताब मैंने भी पढ़ी है। ये सालों पुरानी सच्ची घटना पर आधारित है ना, एक सीरियल किलर जिसने 6 औरतों का खून किया है। टीवी में भी काफी सुर्खियां बटोरी थी इस खबर ने। तभी एलेक्स बोला, 6 नहीं 5 खून हुए थे। आदमी थोड़ी देर उसे देख कर बोला, हाँ बिल्कुल सही, तो आपको क्या लगता है कि खून की वजह क्या थी? एलेक्स बोला, बदला, औरतों से बदला, उनके लिए घृणा, तभी तो उनके बाल काटे, उन्हें टॉर्चर किया, लेकिन रेप का सबूत नहीं है।
माफ करना मगर मैं आपके कत्ल के दृष्टिकोण से राजी नहीं हूँ। वो क्या है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी में थोड़ी बहुत रुचि मुझे भी है और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी नोवेल में बहुत कमी है। मैं खूनी के खून करने की वजह से सहमत नहीं हूँ। एलेक्स गुस्सा हो गया। ये कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है बल्कि एक क्राइम पर आधारित है। मिस्टर एलेक्स, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इस नॉवल के पहलू पर आपसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन इससे जुड़े कुछ पहलू मैं भी सामने रखना चाहूँगा जो मुझे लगता है। मान लीजिए वो कातिल इसी कमरे में अगर हम में से एक हुआ और वो आपकी बातें सुन रहा है तो उसे भी आपके जवाब संतुष्ट करने चाहिए, है ना? तभी तो आपकी स्टोरी जस्टिफाई होगी। हाँ, तो मैं कह रहा था बदले के अलावा और भी कई वजह हो सकती है। और क्या वजह होगी? एलेक्स बोला। जैसे जिज्ञासा, औरत का शारीरिक ढांचा, उनके हर महीने होती मासिक की जिज्ञासा। एलेक्स बोला, जिज्ञासा की वजह से कोई खून कैसे कर सकता है? लिखने से पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट से जो मुझे पता चला है, उसने सभी लड़कियों को तिल तिल कर मारा है। हाथ पांव में रस्सी से बांधकर टांगने के निशान है। शरीर में कई तरह के अलग अलग आकार के घाव बने हैं। कई दिनों तक खून बहने से सारी मौतें हुई है। कातिल को कोई कोतूहल नहीं है बल्कि वो बस एक संकी पागल है। फिर वो आदमी बोला, 6 खून कर चुका है और पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं पाई, क्या वो सिर्फ एक संकी पागल हो सकता है? अर्चना बोली, किताब में तो बहुत कुछ इमेजिनेशन भी होगा, काल्पनिक, जैसे कि कातिल के अंत में मौत हो जाती है जबकि असल में तो वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। बिल्कुल सही कहा, इमेजिनेशन। एलेक्स की किताब में सब कुछ इमेजिनेशन ही तो है, हकीकत से बहुत दूर, आदमी बोला। फिर अर्चना बोली, पर कल्पना के बिना कोई राइटर कैसे लिख सकता है? आदमी ने जवाब दिया, अपने अनुभव से, अनुभव से ही तो हम बेहतर बनते हैं। अर्चना बोली, क्या मतलब? एलेक्स को कातिल के बारे में लिखने के लिए कातिल जैसा सोचना भी होगा? बिल्कुल, तभी तो वो कातिल के दिमाग तक पहुंचेगा। इस तरह कोई मनगढ़ंत कहानी बनाकर छापेगा तो नहीं, आदमी बोला। अब माहौल थोड़ा खराब हो गया तो इस गहमा गहमी को ठंडा करने के लिए अर्चना बीच में बोल पड़ी, अच्छा ये सब तो बहुत हुआ, मगर आपने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया, क्या नाम है, क्या करते हैं? तभी अचानक इलेक्ट्रिसिटी चली गई। मेन स्विच कहाँ है? एलेक्स ने पूछा। पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस घर में किचन कहाँ है, सारे काम के लिए नौकर है। अब दोनों ही टॉर्च लेकर मेन स्विच बोर्ड ढूंढने बेसमेंट की तरफ गए। एक बार के लिए आदमी ने कहा, मैं कभी वहाँ नहीं गया। नीचे जाते हुए सीढ़ियों पे दोनों गिर गए। यहाँ ऊपर कुछ सेकंड्स के लिए लाइट आई और फिर चली गई। अर्चना को बेसमेंट से कुछ आवाजें आई, एलेक्स, एलेक्स क्या हुआ? थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखकर दंग रह गई। एलेक्स उसी आदमी को घसीटता हुआ ला रहा है। अर्चना डर गई, बार बार पूछने लगी, ये सब क्या है, कैसे हुआ? एलेक्स बताओ नीचे क्या हुआ? इधर एलेक्स हर एक कमरे में जाकर कुछ ढूंढ रहा है, जैसे वो इस घर को जानता हो। वो अंदर से एक रस्सी लाया और सबसे पहले उस आदमी के हाथ पीछे बांधे और रोने लगा। नीचे एक लड़की की लाश है, वो हवा में टंगी है, उसके शरीर में कई छोटे घाव है और उसके बाल कटे हैं। अर्चना सहम गई, ये वही कातिल तो नहीं जो इतने समय से फरार है? जब वो बेसमेंट लड़की को देखने जाने लगी, एलेक्स ने रोका, मेरी मानो तुम नहीं देख पाओगी, अब तो वो पुलिस को भी नहीं बुला सकते, उनके पास फोन नहीं है ना ही लैंडलाइन काम कर रहा है, दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी आदमी को होश आया और होश में आते ही वो बोला, सर सर मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा कि आपने यहाँ क्या क्या किया, बस बस मुझे छोड़ दो। फिर अर्चना को देख बोला, सिस्टर सिस्टर मेरा विश्वास करो, वो 5 खून सर ने किए हैं। एलेक्स बोला, क्या बकवास कर रहा है? फिर अर्चना बोली, हमें इसे पुलिस में पकड़वा देना चाहिए। जिस पे एलेक्स बोला, मगर लैंडलाइन तो खराब है। बीच में ही वो आदमी बोल पड़ा, नहीं मैडम, लैंडलाइन काम करता है, मैंने पीछे से उसकी तार निकाल दी है। अर्चना दौड़कर पुलिस को फोन लगाने गई, पर एलेक्स ने बीच में आकर रोका, तुम फोन नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस आई तो मैं फंस जाऊंगा। अर्चना को कुछ समझ नहीं आया। एलेक्स बोला, क्योंकि ये मेरा घर है, एक्चुअली मैं तुम्हें यहाँ सरप्राइज देने लाया था। अर्चना बोली, अगर ये तुम्हारा घर है तो वो कौन है? हाँ मैं तो सिर्फ एक चोर हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि ये सर का घर है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दे, मैं आज रात का जिक्र किसी से नहीं करूंगा। अर्चना ने फिर एलेक्स से पूछा, तो वो गाड़ी खराब होने का एक नाटक था, मगर तुमने एक अनजान आदमी को अपने घर पे देखकर कुछ कहा क्यों नहीं? एलेक्स बोला, मैं तो खुद पहले एक अजनबी को अपने घर पे देखकर डर गया, लेकिन फिर मैंने सोचा जरा देखूं तो ये कौन है, यहाँ क्या कर रहा है, और धीरे धीरे मुझे मजा आने लगा, अगले नोवेल के लिए स्टोरी मेरे दिमाग में चलने लगी। लेकिन विश्वास करो ये मेरा घर है,
और उस लड़की की लाश मेरे घर के बेसमेंट पे है। पुलिस का सीधा शक मुझ पर होगा, पर मैं इसे सच उगलवा कर रहूंगा और उसका बयान रिकॉर्ड करने जेब से फोन निकाले। अर्चना एकदम से दंग रह गई। इतने टाइम से तुम्हारे पास फोन था? आदमी और अर्चना दोनों से देखने लगे। एलेक्स बोला, अभी सफाई देने का वक्त नहीं है, मुझे इसे सच उगलवाना है। आदमी कहने लगा, सिस्टर तुम इसे सिर्फ 3 महीने से जानती हो, खून इसी ने किया है, ये घर इसका है, हम दोनों यहाँ फंस गए हैं, ये हम दोनों को ही मार देगा। अर्चना जोर जोर से रोने लगी। गुस्से में एलेक्स ने बंदूक उस आदमी पर टान दी और जब पीछे मुड़ा तो अर्चना गायब है। उसे ढूंढते हुए ऊपर कमरे में पहुंचा जहाँ अर्चना एलेक्स के फोन से पुलिस को फोन लगाने की कोशिश कर रही है। एलेक्स ने फोन छीनते हुए कहा, तुम क्यों नहीं समझ रही, अगर हम यहाँ नहीं आते तो ये मेरे घर में खून करके फरार हो जाता और फंस मैं जाता। तुम मेरी बेगुनाही की एक लौती गवाह हो। और बंदूक उसके हाथ में थमा दी। ये लो और मेरा यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब नीचे जाकर अर्चना ने एलेक्स और आदमी दोनों को पहले अलग किया। आदमी बोला, सिस्टर मुझे नहीं पता इसने आपको ऊपर क्या पट्टी पढ़ाई है, मगर मेरा यकीन करो, हम दोनों के यहाँ से भागने में ही भलाई है। इसके पास गन है, ये चाहे तो हमें मार सकता है एक झटके में। पहले तो इसने झूठ कहा कि फोन नहीं लाया, और आपका फोन घर पर है, कोई आपकी लोकेशन नहीं जान पाएगा, ये बहुत ही शातिर है। अब एलेक्स ने अपनी जैकेट की पॉकेट से एक रिंग का डब्बा निकाला। मैं तो तुम्हें यहाँ प्रपोज करने वाला था, यही मेरा सरप्राइज था। अब उसने आदमी से पूछा, अगर तू सच में चोर है तो बता तूने यहाँ से क्या चुराया है। आदमी ने कुछ नहीं बताया। फिर एलेक्स बोला, बता क्या चुराया है, कुछ नहीं ना, मुझे पता है तू चोर नहीं खूनी है। इसी बीच आदमी ने अर्चना को इशारे से एक बक्सा दिखाया जो उसने यहाँ से चुराया है, जिसमें ठीक वैसी ही कई अंगूठियां हैं जैसा एलेक्स उसके लिए लाया है। अर्चना ने सर पकड़ लिया। किसका यकीन करे किसका नहीं, उसने दोनों से कहा, अब पहले मुझे ये बताओ नीचे बेसमेंट में क्या हुआ था। पहले एलेक्स बोला, जैसे ही हम नीचे पहुंचे इसने पैर फंसा कर सीढ़ियों से गिरा दिया ताकि मैं सामने ना देखूं। फिर उठकर मैंने फ्यूज ठीक किया और जैसे ही लाइट आई मुझे सामने लाश दिखी और तुरंत इसने मुझ पर 2 बार गोली चलाई। मैं किसी तरह बच गया और टॉर्च से इसके सर पे मारकर इसे बेहोश कर दिया। अर्चना बोली, मगर मैंने तो एक ही गोली की आवाज सुनी थी। आदमी झट से बोला, झूठ झूठ बोल रहा है ये सिस्टर, नीचे जाकर जैसे ही इसने फ्यूज चेंज किया मेरी आंखें सामने का मंजर देख दंग रह गई और तभी इसने गोली चलाकर मुझे चौंका दिया और टॉर्च से मारकर मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। शायद हो सकता है वो लड़की जो बेसमेंट में है अभी भी जिंदा हो। ये सुन एलेक्स फौरन उस ओर भागा। आदमी बोला, सिस्टर उसे रोको, वो उस लड़की को मार देगा। और दोनों बेसमेंट की तरफ भागे। वहां पहुंचकर देखा तो एलेक्स लड़की की रस्सी खोलकर जमीन पे ले आया है। अर्चना ये जिंदा थी, अभी अभी मरी है, मेरा विश्वास करो। देखा सिस्टर, जब तुमने कहा था कि बेसमेंट में जाकर देखना चाहती हो इसने नहीं आने दिया क्योंकि इसे लड़की को मारना ही था। अर्चना जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही एलेक्स उसे पकड़ने लगा वो आदमी बीच में आ गया और कहने लगा, सर आप सिस्टर को कुछ मत करो, मैं सिस्टर को कुछ नहीं होने दूंगा। गुस्से में उसने आदमी का गला पकड़ लिया। तू कबूल करेगा या नहीं कि ये सब तेरा किया धरा है, बोल तूने ही इसे मारा है ना। जब अर्चना उसे रोकने गई एलेक्स के सर पे खून सवार है, उसने उसे एक थप्पड़ मारकर गिरा दिया। अर्चना सन हो गई और ऊपर कमरे में जाकर एलेक्स की दी बंदूक ले आई और उस पर तान दी। एलेक्स बोला, अगर मैं खूनी होता तो मैं कब का तुम दोनों को मार चुका होता, मेरे पास बंदूक थी। पीछे से वो आदमी बोला, सिस्टर ये मुझे नहीं मार सकता क्योंकि ये सिर्फ औरतों को मारता है। अर्चना के डर से आंखों में पानी आ गया, वो अब एलेक्स पर भरोसा नहीं कर सकती, इतना कुछ देखने के बाद तो बिल्कुल नहीं। मजबूरन एलेक्स उसे बंदूक की नोक पे बाहर बगीचे में ले आया, साथ वो आदमी को भी दबोचा हुआ है। वो उसकी जिंदा कब्र खोद रहा है। थोड़ी देर बाद उसने देखा अर्चना फिर गायब है। दौड़कर वो अंदर गया तो उसका शक यकीन में बदल गया। अर्चना पुलिस को फोन कर चुकी थी और उसके हाथ में बंदूक है। वो एलेक्स के नजदीक आने से भी डर रही है। एलेक्स उसे समझाने की कोशिश कर ही रहा है कि अचानक गोली चली और एलेक्स जमीन पर आ गिरा। तब भी वो अर्चना को कह रहा है, भाग जाओ यहां से। और अर्चना के ठीक पीछे खड़ा है वही आदमी, उसने उसका हाथ पकड़कर एक और बार बंदूक की नली दबाई। एलेक्स वही ढेर हो गया। ताजा खबर, शहर से बाहर 3 खून हुए हैं जिसमें एक आदमी और 2 औरत हैं। आदमी के प्रॉपर्टी में ही ये खून हुए हैं। नाम एलेक्स पारियल, पेशे से राइटर। अर्चना पिल्लाई एक वकील और वानी बालक। सबूतों के मुताबिक एलेक्स ने इन दोनों को नहीं मारा,
सीरियल किलर अभी भी फरार है और कहानी यहीं खत्म होती है।